बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो मौसम बहुत प्यारा है, तकरीबन सारी के वक्त भी बारिश हुई है, तो अभी भी हल्की हल्की सी कनियाँ सी आ रही हैं, तो काफ़ी मज़े का मौसम हो रहा है। तो हम चारा लेने के लिए आए हैं, तो आज आखिरी दिन है इधर, क्यों चारा ख़त्म हो चुका है, जब दोबारा तैयार होगा फिर इधर आएँगे। ये थोड़े से खड़े हैं तो ये काट के आज फारग हो जाएंगे इधर से, तो फिर ये दोबारा तैयार हो रहे हैं पीछे से, जब दोबारा तैयार होंगे फिर आएंगे इधर। ये माशाल्लाह मौसम है बहुत खूबसूरत और मज़े का। अभी हम चारा काटते हैं जल्दी जल्दी से, क्यों बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो ये ना हो तेज़ हो तो फिर काटने मुश्किल हो जाएंगे। तो बस अभी शुरू करते हैं। अभी फारग हुए हैं काट के, चारा कट चुका है हमारा, तो बस अभी रक्षे की इंतज़ार है। रक्षे वाले को फ़ोन किया है, रक्षे पे जाएंगे तो वो जब तक आता है तो उस वक्त तक सांस लेते हैं। हवा काफ़ी मज़े की चल रही है ठंडी ठंडी सी, और आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ है और दो रोज़े माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त गुजरे हैं। तो मौसम ठंडा ठंडा सा है, रोज़े का पता नहीं चलता है, बहुत मज़े का जाता है रोज़ा। ये रिक्शा आ चुका है हमारा, ये देखें ये वाला रिक्शा है, इस पर लेके जाएंगे। तकरीबन 10 की मिनट हमने इसका इंतज़ार किया है, तो बस फारग हैं इसके बाद हम। डर गया।
सारी दाड़ी खुले रहने ना इतना से बंद है बड़े प्यारे। अभी जुमा पढ़ के वापस आया हूँ, जब से चारा लेके आया था आराम में था, आराम किया है। तो जुमे में भी थोड़ा सा लेट हो चुका था, क्यों लाइट नहीं थी सुबह से, क्यों आंधी चल रही है उसकी वजह से नेट भी बंद हो रहा है मेरा, और लाइट भी बंद थी। तो लाइट आई थी तकरीबन जुमे से आधा घंटा पहले आई है, तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े प्रेस करवाए हैं, तो नहाया हूँ, जुमा पढ़ के अभी वापस आया हूँ। तो अभी देखते हैं, नेट वाले को कॉल करते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल तो अभी मेहमान भी आए हुए हैं, क्यों वो जो हमारी दुआ है वो लोग आए हुए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। क्या हुआ, क्या हुआ बिल्ले, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हुआ, गुस्सा क्यों हुआ, किधर आया, किधर आया बिल्ले, नहीं बोलना, नहीं बोलना, क्यों नाराज है, किसके साथ, मेरे साथ कहा, मैंने क्या किया, नाराज क्यों है बता दे, नहीं नाराज हूँ, तो नाराज तो हाँ जी इधर, क्या पापा किसकी तरफ देखो, बोल हैं, अंदर चली जा, अंदर से पकड़ ले, क्यों ये मेहमान आए हुए थे उकाड़ा से, तो उनमें बिजी था, तो वीडियो भी ये वो हमारी दुआ है जो पहले भी वीडियो में आती रही है, तो वो आए हुए थे, वो लोग आए हुए थे। तो अभी असर का टाइम है, नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं, तो भाई जाने का माहौल तो है, मौसम क्यों बहुत खूबसूरत है, मज़े का है, हवा भी चल रही है, बादल भी हैं, तो मगर आज जाना मुश्किल है, क्यों अभी मैंने असर के टाइम पकाई है वो भिंडी गोश्त, और टाइम काफ़ी लगा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। तो दूसरी बात, हमारा दोस्त भी नहीं है, उनकी फोत की हुई है लैया में उनके नानाबू फोत हुए हैं, तो वो उधर गए हुए हैं, तो अकेले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आज घर में ही हैं, बस इफ्तारी की तैयारी वगैरह कर रहे थे। भिंडी गोश्त मैंने पहले भिंडी काटी है, प्याज वगैरह काटे हैं, सब कुछ काटा है, तो उसके बाद अब पका के फारग होके बाहर आया हूँ। दूसरा सालों ने एक और पक रहा है आलू गोश्त का, वो घर वाले पका रहे हैं, मैं अभी जाने लगा था किचन में, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है बात नहीं हुई है,
तो थोड़ी सी आप दोस्तों के साथ कुछ बात करने के मूड से बाहर निकला था, और मौसम काफ़ी ठंडा है तो उसकी वजह से रोज़ा भी बड़े मज़े का गया है, कुछ पता नहीं चला है रोज़े का। तो कल भी ऐसे ही था, आज भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर गया, अभी तक कुछ महसूस नहीं है रोज़े का, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। चलो बादल कैसे हैं, ज़बरदस्त हैं, और हवा भी काफ़ी ठंडी, जैसे कि आसपास कहीं बारिश हुई हो।